नॉर्मली मेरी वीडियो 3 से 6 घंटे के अंदर एडिट हो जाती है, चाहे कितनी भी अच्छी हो या कितनी बुरी। लेकिन 3 चीजें मैंने अपनी एडिटिंग में इंप्लीमेंट करी, जिसकी वजह से काफी सारे ब्रांड्स के कोलैबोरेशंस के मेल आने लगे, काफी ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन बढ़ गई, जिसकी वजह से व्यूज ज्यादा आने लगे और साथ ही साथ में अपनी वीडियोस मुझे खुद भी अच्छी लगने लगी। स्टेप 1, लेस इज मोर। पहले अपनी वीडियोस को 3-4 घंटे के अंदर एडिट करके फटाफट अपलोड कर देता था मैं, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद मैंने कोशिश की कि जब भी मेरे को एडिट करते हुए लगने लगे कि यार जल्दी से इसको अपलोड करना, फटाफट एडिट करो, तो उसको वहीं पे बंद कर दो, जो कि यूजुअली 2 घंटे के अंदर हो जाता था। यानी कि मैं 2 घंटे से ज्यादा कोई भी वीडियो को एडिट नहीं करता था एक दिन में। अगले दिन मैं दोबारा से उसी वीडियो को आगे एडिट करता था और उससे अगले दिन फिर दोबारा से 2 घंटे। तो टोटल 6 घंटे मैंने एक वीडियो को एडिट करने पे लगाए, लेकिन एक दिन में सिर्फ 2 घंटे। उससे हुआ यह कि मेरा माइंड हर बार फ्रेश हो जाता था जब मैं उसको दोबारा अगले दिन एडिट करने बैठता था, तो जो एडिटिंग थी वो काफी ज्यादा अच्छी होने लगी और काफी ज्यादा क्रिएटिव भी होने लगी। तो जिस वजह से मैं अपनी एडिटिंग में अलग अलग चीजें ट्राई करने लगा, वरना पहले ये होता था कि यार फटाफट अपलोड करना है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको खत्म करो। दूसरी टिप है अपनी वीडियोस के अंदर सबटाइटल्स को ऐड करना। अब ये सबटाइटल्स मेरी वीडियो में ऐड करना मेरा सबसे बेस्ट फैसला था अभी तक का, जिसकी वजह से मेरी काफी वीडियोस पर 1-1, 2-2 लाख व्यूज भी गए हैं। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आ जाते हैं और 500 कमेंट्स आ जाते हैं, तो हम YouTube का जो कोर्स है फ्री में अपलोड करेंगे इस चैनल पर, जो 30-40 मिनट का होगा, जिसमें सिखाया जाएगा कि कैसे आपको यूट्यूब चैनल शुरू करना है, कैसे प्लानिंग करनी है अपनी वीडियोस की, और किस तरीके से सारा कुछ हैंडल करते हुए अपना बिजनेस बना के यूट्यूब से पैसे भी कमाने हैं। सारा कुछ आपको फ्री में सिखाया जाएगा 500 लाइक और 500 कमेंट। पूरी वीडियो पे सबटाइटल ऐड करना अगर मुश्किल है, तो स्टार्टिंग के 10-15 सेकंड के अंदर आप सबटाइटल्स लिख सकते हो, जो आपकी ऑडियंस की रिटेंशन बनाने में काफी मदद करेंगे, क्योंकि लोगों को हुक करना काफी मुश्किल हो जाता है। और जब सबटाइटल आप लिखोगे तो लोगों का सारा ध्यान वो पढ़ने में चला जाएगा और लोग आपकी वीडियो को स्किप करना बंद कर देंगे। और तीसरी चीज है स्टार्ट सेइंग नो। अब अपनी वीडियो कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर वो बोरिंग है तो दूसरे नहीं देखेंगे। और मैं भी यही सोचता था कि यार अगर देखो मैं सिखा रहा हूँ तो थोड़ा बीच में बोरिंग पार्ट आएगा, लोग देख लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपकी वीडियो में जरा सा भी बोरिंग सीन है, चाहे वो कितना भी अच्छा लग रहा हो, उसको हटाना जरूरी है। तो क्या चीज आपको अच्छी लग रही है, क्या आपको बुरी लग रही है, वो साइड रख के आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑडियंस को क्या ये अच्छा लगेगा या नहीं। अगर नहीं तो उसको फटाफट से डिलीट मार दो।